हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अपने यूट्यूब चैनल के साथ से सफदर शाह। उम्मीद है आप सब कैरियर से होंगे। आज मैं इंडिजी स्किल्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं और फ्री सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं या फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं। यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलप, बहुत सारी चीज़ें आपको मुफ्त प्रोवाइड की जाएंगी यहाँ इस प्लेटफॉर्म से। और ये डिजी स्किल्स जो है, इसकी बैच 4 स्टार्ट होने वाली है, जिसकी लास्ट डेट 28 फरवरी जो है इसकी लास्ट डेट है। तो सबसे पहले आप साइन अप कर देंगे अकाउंट अपने को, देन उसके बाद ही जो प्रोसीजर होगा आपके साथ शेयर करूंगा कि इस तरह से आपको इनरोल होना है यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जहाँ जिस होगा, सबसे पहले आप ईमेल, यहाँ पे आपका यहाँ फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, ईमेल एड्रेस आपकी आ गई, देन आप पासवर्ड आ गया, देन आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देन सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये जैसे प्रोसेस करेगा, देन नेक्स्ट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद फर्दर आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन डालनी है। अच्छा, आपको ईमेल एड्रेस आ जाएगी, वहाँ पर आपको अकाउंट को एक्टिव करना होगा। तो मैं ईमेल चेक करता हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इस तरह से आपको मेल आएगी, यहाँ पर जो लिंक दी हुई है उस पर आप क्लिक करेंगे, देन आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट वो मेरा जो मेन प्रोफाइल होगा डिजी स्किल्स का, वहाँ पे फर्दर इंफॉर्मेशन मांगेगा, देन वहाँ पे ही अकाउंट एक्टिवेशन के बाद फर्दर होगा। तो यहाँ पे अब उसी ईमेल से हमें अकाउंट अपना यहाँ पे ओपन कर देना है, जो हमने ईमेल वहाँ पे ईमेल और पासवर्ड लगाई थी, उसी ईमेल से हम यहाँ पे साइन इन कर देंगे अकाउंट को। तो यहाँ पे वो मैं मेल ऐड कर देता हूँ, देन इसके बाद मैं पासवर्ड भी यहाँ पे इन कर दूँगा, देन मेरा अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देन मैं सारा प्रोसीजर बता देता हूँ कि किस तरह से हम इसको आगे फर्दर मूव कर सकते हैं और किस तरह से हम इनरोल कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में हम इनरोल खुद को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे ही अकाउंट ओपन होगा, देन उसके बाद ही देन हमें साइन इन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह से कुछ डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, देन हम आसानी से अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जी। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, देन इस तरह से आपके पास ये बोलेगा कि आपका अपना जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट करें। देन आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये डालना है, फर्स्ट नेम तो आपका ऑलरेडी होगा, और इसके बाद आपका लास्ट नेम आ जाएगा, इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मेल को सिलेक्ट कर देना है आपको। ऑलरेडी मैंने चीज़ें सिलेक्ट की हुई हैं, तो आपको जस्ट बता रहा हूँ। आपका सीनास यहाँ पर आ जाएगा, एंड कंट्री आ जाएगा, नेशनलिटी आ जाएगी, सिटी आ जाएगी, बहुत इजी वे में है सारी चीज़ें। आपका मोबाइल नंबर, जो कोड है आपका फॉर सपो 0341 है, मेरा तो 0341 ही ऐड करूँगा। देन पर्सनल कंप्यूटर अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। देन आपके पास इंटरनेट कनेक्शन वगैरह क्या है, वो 3G 4G फाइबर ऑप्टिक्स जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास 3G 4G, तो मैंने वो भी ये सिलेक्ट कर दिया। देन क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस आ जाता है। जैसे यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करते हैं, देन इस तरह से आपके पास ओपन हो जाता है कि आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इंटरमीडिएट यहाँ पे क्लिक किया है। देन स्पेशलाइजेशन, मैंने कंप्यूटर साइंस, स्टूडेंट, फ्रीलांसिंग, ये सारी चीज़ें ऐड की है। और इसके बाद दूसरा क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस आपका क्या है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास ओपन होगा। हाईएस्ट ये तो आ गया, अच्छी के इसके बाद हम ये कुछ ऐड होंगी चीज़ें कि आप कितनी आपको इस चीज़ की नॉलेज है, तो आप बेसिक करेंगे, वो करेंगे, या रेट योर इंग्लिश लैंग्वेज की आप कितनी स्पीकिंग कितनी है, हायर है, लो है, मतलब इंटरमीडिएट लेवल वाली, एक्सपर्ट हैं, नो नॉलेज है, तो ये इस तरह से आप इनको ऑप्शंस को भी फिल कर देंगे। देन आपसे पूछेगा कि कौन सा क्या चीज़ आप सीखना चाहते हैं, तो मैंने एक को सिलेक्ट किया है फिलहाल, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अगर आप 2 को करते हैं वो भी कर सकते हैं। देन ये मैं सबमिट कर दूंगा यहाँ पे, इसको सारे रीज़न क्या है ज्वाइन करने का, तो वो आप रीज़न भी यहाँ लिख देंगे। मैं फॉर सपोज लिखता हूँ फॉर फ्री लांसिंग, फॉर फ्री लांसिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। देन हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, ओके, यहाँ पे आपको ओके करेगा।
इसके बाद ये आपको प्रोफाइल जो है वो अपडेट किया गया है, इन्होंने ये बता दिया। देन आप इनरोल नाउ पेज 4 पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके पास कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी सारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पूरी कोर्सेज जो हैं वो इस लिस्ट में आ जाएंगे। देन आपको मैं फॉर सपोज ग्राफिक डिज़ाइन पे व्यू डिटेल्स करता हूँ, तो इस तरह से कुछ हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप देख सकते हैं नीचे इसका पूरा कोर्स का आपको वो प्रोमो देंगे यहाँ पे। देन अबाउट में आप पढ़ सकते हैं, मीट ट्रेनी आपको कौन पढ़ाएगा वो भी आपके पास, वो इंस्ट्रक्टर जो होगा वो भी आ जाएगा। 12 वीक्स का होगा, वीडियो ड्यूरेशन 24 आवर्स होगी, स्टार्ट डेट 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, फी फ्री ऑफ कास्ट है, हु कैन ज्वाइन अकेडमी, एनीवन आईटी नॉलेज जो भी रखता हो, इनरोल ट्रेनीज, इनरोल नाउ पे हम आप क्लिक करेंगे। अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपने सेलेक्ट किया उसको व्यू डिटेल्स में, तो आप उसी कोर्स में इनरोल होंगे। तो इनरोल नाउ पे क्लिक करता हूँ मैं, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में करना है। तो अवेलेबल कोर्स आ गया है, इसमें अवेलेबल कोर्स में आप यहाँ से एक को सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। फॉर सपोज ग्राफिक डिज़ाइन को मैंने सेलेक्ट कर दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। इनरोल करने के बाद आप जैसे ही वापस होम में आएंगे तो फिर आपके पास इस तरह से कुछ डेट शो होगी, डेट एन यू हैव इनरोल DSTP2.batch4 कोर्स विल स्टार्ट ऑन मार्च 1 के आप इनरोल हो गए और 1 मार्च से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो मैंने दो में कर लिया, जैसे कि फ्रीलांसिंग में और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ भी समझ में ना आए तो मेरी डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।